वेलकम बैक टू कर्ली सनशाइन। और आज का जो एपिसोड है वो स्पेशल मैं लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि न्यूजीलैंड के अंदर कंस्ट्रक्शन का जो स्कोप है वो कैसा है, यहाँ की स्टडीज कैसी है कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो स्पेशली माय फ्रेंड चिराग, कट कट मुझे हंसी आ रही है। ओ, कुछ नहीं, ये मैं व्लॉग वो सब कर दूंगा। कितना टाइम हो गया न्यूजीलैंड में? मुझे 4 साल हो गए, 4 years now। और आपने क्या स्टडीज करी, आपका इंडिया में क्या एक्सपीरियंस रहा है? यहाँ पे इंडिया में आई डिड माय प्लस टू नॉन मेडिकल में मैंने की थी। यहाँ पर मैं एज अ QS की स्टडी लेके आया था, उसे कहते हो क्वांटिटी सेविंग। तो पहले कोविड के पीरियड में मैं आया था, मेरी लास्ट फ्लाइट थी इंडिया से आते हुए। तो फिर मैं तिरंगा में 1 साल मैंने स्टडी की, उसके बाद मैं शिफ्ट करवा के मैंने ऑकलैंड में अपनी अब डिग्री पूरी की है, लाइक दिस लास्ट सितंबर में। अच्छा, तो आपने ये जो कोर्स करा वो लेवल 7। इसका फुल नाम क्या है कोर्स का जो आपने किया? क्वांटिटी सर्विंग बैचलर्स इन कंस्ट्रक्शन। ओके, तो इसका स्कोप क्या न्यूजीलैंड में अगर कोई आ रहा है इंडिया से ये कोर्स लेते हुए? एजेंट आप जॉब के बेसिस से पूछ रहे हो कि जॉब्स इजीली मिलती हैं कि क्या? हाँ, जॉब्स भी लाइक डेफिनेटली अगर कोई इंडिया से आ रहा है उसका प्रेफरेंस रहेगा यहाँ पे कि सबसे पहले सेटल होना। और सेटल होने के लिए डेफिनेटली कि क्वालिफिकेशन इज मस्ट, क्योंकि वही आपको आगे जाके पॉइंट्स और जो भी इनका इमिग्रेशन का जो होता है उनके हिसाब से। टू बी ऑनेस्ट QS एक, अगर आप सेटल होने की बात करो, आई थिंक आप रेजिडेंसी वगैरह के बारे में पूछना चाहते हो। QS एक ऐसी सी फील्ड है जो अभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट स्किल में है, प्लस एक ग्रीन लिस्ट में भी है। तो एक कोर्स आपका ग्रीन लिस्ट में भी है? हाँ जी, हाँ जी, दैट्स व्हाई मैंने अपनी सितंबर में फिनिश की एंड मैंने अक्टूबर में अपनी रेजिडेंसी फाइल कर दी थी। I got my residency super soon. तो आपकी जो रेजिडेंसी है इसी साल में आई? इसी साल में ही। ओह, कांग्रेचुलेशंस ब्रो, नो वरीज। और इसकी फीस कितनी है इस कोर्स की, और इसकी सैलरी कितनी हो सकती है अगर कोई यहाँ पे कोर्स ये कंप्लीट करता है तो? फीस का ये है कि अराउंड $25,000 पर ईयर, बट मैंने हमेशा स्कॉलरशिप लिया क्योंकि आई यूज टू ग्रेट लाइक टेक अराउंड A+ ग्रेड्स। तो अगर आप मतलब यहाँ पर कई कॉलेजेस में होता है कि अगर आप A grades या A+ grades लो तो दे गिव यू $5,000 स्कॉलरशिप आई ईयर। तो आई पे $20,000 आई ईयर, बट वैसे $25,000 है। ओके, सो ये आपका जो कोर्स है वो 1 year है, 2 years है? ये आप पे होता है, मिनिमम 2 years का होता है, बट उसमें फिर आपको फिर स्ट्रगल होगा क्योंकि उसमें जॉब्स नहीं जल्दी मिलती अगर आपने डिग्री नहीं की, क्योंकि आजकल मार्केट बहुत डाउन है जैसे कि आपको पता है कंस्ट्रक्शन की। तो मिनिमम जब जॉब्स देखते हो एनीवेज, अगर QS की जॉब देख रहे हो वो एक्सपीरियंस भी मांगते हैं 3-4 साल का। तो मैंने तो कभी QS की जॉब नहीं की लाइफ में, मैंने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ही जॉब की है फ्रॉम लास्ट आई विल से 2.5-3 years। तो मतलब द बैटरी खत्म होगी थोड़ी, नहीं कोई नहीं, वो घड़ी में आवाज है, कोई कट कट कर देगी, कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। कितने जगह से कि आपने तो स्टडी मैंने एज अ QS की थी। तो मैं एज अ मतलब ऑकलैंड में जब आया उसके 6 months के बाद मैंने एज अ लेबर ज्वाइन किया था। तो विद इन 3 months मैं साइट मैनेजर प्रमोट हो गया था। तो ये जो आपने लेबर काम किया था वो उसमें एंट्री कैसे मिलती है? अगर जैसे मैं आ रहा हूँ स्टूडेंट की तरफ से, मेरे पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कंस्ट्रक्शन का, तो मैं कैसे जॉब लूँ यहाँ पे न्यूजीलैंड में आने से पहले? टू बी ऑनेस्ट मेरा भी कोई गॉडफादर नहीं था इस फील्ड में। yes. मेरे भी कोई फैमिली, मेरी सारी फैमिली बैकग्राउंड IT वालों का है। इंडिया में मेरे फादर कंस्ट्रक्शन करते हैं, ग्रैंडफादर करते थे, बट यहाँ पर मेरा भी कोई गॉडफादर नहीं था। इट्स ओनली अप टू यू आप कितने अच्छे लिंक बना सकते हो। जो मैंने पहली जॉब ली थी वो मैंने क्लब में किसी के साथ लिंक बनाया था, तो उसने मेरी, तो मीन्स आपको आना चाहिए अपना काम निकलवाना, तो उसने मेरी एज अ लेबर की नौकरी लगवाई थी एज, है ना। तो मैंने वो 3 months साल से की, उसके बाद वो जो कंपनी का डायरेक्टर था ही प्रमोटेड मी टू साइट मैनेजर, उसके बाद अनदर 2 months ही प्रमोटेड मी टू प्रोजेक्ट मैनेजर स्ट्रेट वे। ओह स्वीट। तो ये आप पे होता है कि डजंट मैटर, आप काम पे जाओ, अपने कान खुले रखो, आंखें खुली रखो, लर्न एज मच एज यू कैन एंड यू विल ग्रो डेफिनेटली। स्वीट। और क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर जैसे मैंने इंडिया में 12th करी है और मेरे को न्यूजीलैंड आना है कंस्ट्रक्शन के बेस पे, तो आपके हिसाब से बेस्ट कोर्स क्या रहेगा कि उसमें मैं एडमिशन लूँ यहाँ पे और जो आगे जाके मेरे को थोड़े बहुत रेसिडेंसी में भी हेल्प करे? टू बी ऑनेस्ट QS इज ओके, बट एक बैचलर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आती है साइट मैनेजमेंट की। QS के रोल्स की जॉब लेनी बहुत डिफिकल्ट होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि सभी बहुत एक्सपीरियंस मांगते हैं। लाइक अगर अभी आप ट्रेडमी एक न्यूजीलैंड का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप जॉब चेक कर सकते हो, सीख है, अगर आप वहाँ पर देखोगे एक जॉब के लिए 300-400 कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा। अब
इसलिए उनके मिनिमम क्राइटेरिया बहुत बढ़ चुका है. तो इट्स हार्ड टू फाइंड क्यूएस जॉब, बट एज अ साइट मैनेजर आप लेबर से स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन ग्रो स्लोली स्लोली. तो बैचलर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज अ गुड कोर्स, प्लस ये आपकी रेजिडेंसी में बहुत अच्छा हो जाता है, प्लस पे स्केल भी अच्छा देते हैं. तो बैचलर ऑफ कंस्ट्रक्शन आप रिकमेंड करोगे सबसे पहले? हाँ. और कोई और कोर्स अगर कोई करना चाहे तो सेकंड नंबर पे कोई? QS is also fine. और अबाउट कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर दे टोटली डिफरेंट? आर्किटेक्चर में यूजली एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलती हैं. आई नॉट से नो, क्योंकि मेरे पास मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट मुझे ये पता है क्योंकि जब आप इंडिया से आते हो आपका बैकग्राउंड टोटल चेंज होता है. यहाँ मतलब इंडिया में आप सीमेंट और ब्रिक से कंस्ट्रक्शन होती है, यहाँ पर सारा टिम्बर की कंस्ट्रक्शन होती है. तो आर्किटेक्ट में आपको कोई नॉलेज नहीं होगी, 0% नॉलेज होगी बेसिकली. तो उसका बहुत डिफिकल्ट होगा ऐसे, बट उनके पे रेट्स बहुत अच्छे होते हैं. इन फ्यूचर अगर आप 5-6 साल बाद देखो तो दे अर्न रियली वेल. दे अर्न लाइक सम आर्किटेक्ट्स यू विल फाइंड दे चार्ज $800-$900 एन आवर. So that's $800 per an hour. कई आर्किटेक्ट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे, बट उसके लिए पहले स्टार्टिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. स्वीट. अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसमें सैलरी पैकेज कैसा रहेगा स्टार्टिंग के अंदर और कहाँ तक ग्रोथ हो सकती है? जब आप आए थे स्टार्टिंग में, आपने जब लेबर से स्टार्ट करा तो आपका पे रेट क्या था उस टाइम? लेबर में आई स्टार्टेड फ्रॉम मिनिमम वेज. न्यूजीलैंड में एक चीज़ है मिनिमम वेज, ये गवर्नमेंट सेट आउट करती है कि ये मिनिमम होगा, इससे नीचे आप किसी को पे नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप कोई डॉजी काम करो. बट आई रिकमेंड डोंट डू एनीथिंग, क्योंकि इन फ्यूचर फंसने के चांसेस बहुत होते हैं, है ना. तो मिनिमम वेज से स्टार्ट किया था, बट नाउ एज अ आप किसका पे रेट पूछ रहे हो? प्रोजेक्ट मैनेजर. It really depends upon your experience. Okay, so आप like minimum what he can earn? Minimum as a project manager. Yes. ऐसे project manager सीधा job नहीं लगेगी. But as a site manager या I'll say $60,000 a year. Starting package as a site manager. $60,000 a year. Sweet. और वो कहाँ तक growth हो सकता है? It goes up to अगर आपके पास experience अच्छा है 250 per year, मतलब 250K per year plus usually मैनेजमेंट रोल में आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है. इट्स नॉट ओनली अबाउट सैलरी. लाइक मेरी एक सैलरी है, उसके ऊपर मैं जितना सेव करता हूँ प्रोजेक्ट में, माय सीईओ और डायरेक्टर ही विल शेयर द प्रॉफिट विद मी. ऑसवेट. थैंक यू चिराग, रियली अप्रिशिएट ब्रो. और थैंक यू फॉर वाचिंग अस कर्ली सनशाइन, एंड डेफिनेटली आई एम गोना अपलोड मोर वीडियोस कंटीन्यूअसली. गुड बाय. आगे केला कह दो कुराना नहीं. तो ये मेरा स्पेशल फ्रेंड है चिराग रुणा. तो ये मेरा फ्रेंड है स्पेशल. क्वेश्चन तो ये मैंने पूछूंगा कि मैं अभी केला कह दो खुराना नहीं.